गोरखपुर के डीएम एसएसपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोरखपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का एक वीडियो भारत समाचार पर हम आपको दिखाएंगे। ये वायरल भी हो रहा है। हत्यारे पुलिस वालों को बचाने का ये वीडियो है, परिजनों को एफआईआर ना लिखाने का दबाव बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो में डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी बिपिन टांडा दबाव बना रहे हैं। जरा सुनिए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। विकास शाही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ये विकास, क्या मैनेज हो रहा है? विजय किरण आनंद और बिपिन टांडा क्या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? जी आपको बता दें कि जो पूरा मामला है कल का है, जब एक कानपुर से गए प्रॉपर्टी डीलर की मौत होती है। पहले पुलिस उसको हड़बड़ाहट में गिरने से मौत बताती है, लेकिन बाद में जो परिजन आते हैं तो बताते हैं पुलिस और पीट पीट की हत्या की गई है। उसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पे परिजन के साथ डीएम और एसएसपी बात कर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति डीएम एसएसपी में कह रहा है कि आप मुकदमे के चक्कर में ना पड़े, मुकदमे से लगातार जो आपको परेशानी होगी और लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हमने कार्रवाई कर दी है, निलंबित कर दिए हैं। उससे परिजन खुश नहीं होते हैं और जो पीड़ित मृतक की पत्नी है वो कहती है कि मुझे खून के पुनः खून, यानी कि जिससे मेरा पति मरा है उससे कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। इसका जो वीडियो वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। नहीं, बात ये नहीं है, इनका काम चाहे जिलाधिकारी हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इनका काम है कार्रवाई करना, न्याय दिलाना। ये मैनेज क्या कर रहे हैं? जी आपको बता दें पुलिस लगातार ये कोशिश में लगी थी कि मामले को जो कि लंबत तक सीमित रह जाए, दोषी जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर मुकदमे न लिखे जाए, इसके लिए बात लगातार चलती रही। कि और समझाया जा रहा था कि मुकदमों से कुछ होता नहीं है और मुकदमे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में लगातार सुनाई दे रहा है। एक एसएसपी का कहना है, उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर, एक एसएसपी का ये कहना है कि मुकदमों से कुछ नहीं होता। नहीं, अब वही बता रहे कि आईएएस एक और एक आईपीएस दोनों, हाँ। यानी कि जो जिले के मुखिया होते हैं, पुलिस विभाग का होता है, प्रशासन का होता है, और उनके द्वारा कहा गया ये वीडियो वायरल हो रहा है तो एक चिंतनीय बात है। जहाँ पे पीड़िता को, यानी कि जो मृतक की पत्नी है, मृतक को न्याय दिलाने की बात हो रही है, उलट ये बात सामने आ रही है कि दो बड़े अधिकारी ये कहते हुए सामने आ रहे हैं कि मुकदमा लिखाने से क्या होगा। जी बड़ी हैरानी की बात है, एक आईपीएस ऑफिसर, जिला अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर का ये कहना है कि मुकदमों से कुछ नहीं होता, ये कह रहे हैं साफ तौर पर इस वीडियो में। तो आज की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा, वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विकास आपका।